में क्यों आ गए थे आज? क्या तुमने किस मीटिंग, सबका वेटिंग रूम क्यों दिखाया था शुरू में? सर पता वही नहीं सर, सेटिंग में आपने पता बैठा रहे थे। हाँ, ये कौन से लोग हैं ये? एपी थी वाले? अच्छा, अपने एपी वाले एपी बड़े। थ्री। हाँ, अपना दो चल रहा है, लोकस चल रहा है ना अपना दो। यस सर, हाँ सर। यस सर। हाँ, अपने कौन सा एक्सरसाइज किया? 10.3 कर लिया डिस्कस ना? हाँ सर, हाँ, मिसलेनियस बाकी है, मिसलेनियस। डिस्कशन है। मिसलेनियस करते हैं डिस्कस, ठीक है। तो अपने पास है 1.5 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट ऐसे खा गया मैं, ठीक है। चलो मैं पहले थोड़े क्वेश्चन कराता हूँ आपको, किस चीज के? लोकस लोकस, लोकस के, ठीक है। तो लोकस की लास्ट कस में फील आई थोड़ी सी, आई थी। ठीक है। ग्रुप पे लिख दो मैं सॉरी पे, किसी को P1 AP2 से अगर लोकस का पढ़ना है तो आ जाए। उनकी क्लास तो नहीं है, क्लास है क्या उनके, पता नहीं। एनीवे, तो उस दिन कितने क्वेश्चन कराए आपको लोकस की? मैंने 2-3 कराए थे, दो, एक दो सर 4-5 करवाए थे अपने क्वेश्चंस। बेटा, ठीक है। चलो तो आपको समझ में आया लोकस का मतलब क्या है? यस हेलो, सर। मतलब कुछ है ही नहीं है ना, बस उसको एच कॉमा लेके एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें कांस्टेंट्स और एच कॉमा के रहे, और फाइनली एच कॉमा के को रिप्लेस कर देने का एक्स एंड वाई इज को। इक्वल टू एच कॉमा वाई के फॉर्म में लिखे। सच दैट ट्राइंगल PAB एरिया इज 1, वेयर ए इज इक्वल टू 1,0, बी इज इक्वल टू 4,0। दो दो क्वेश्चन का मैं सेट दे रहा हूं, ठीक है। हेलो, ओके सर। ओके सर। तो सॉल्व करो। बन रहा है क्या? यस सर।
हो गया क्या? फर्स्ट वाला हुआ पर पता नहीं राइट अराउंड, राइट अराउंड क्या होना है? पहले मैं कैसे किए बताओ सर? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। यस हाँ सर। पी को क्या मान लेंगे? एच कॉमा वाई, एच कॉमा के ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ भाई लिखे थे ना कि नहीं लिखे थे? एच के वन, हेलो 101 401। अरे हाँ यार, आता है कि नहीं आता है? बोलिए सर। आता है। क्या रहा है आंसर? के इनटू माइनस थ्री के, मेरे ख्याल से ये ओपन तो कितना है बताओ? 3k इक्वल टू 2 आ रहा है मेरा तो। यस सर, तो मैं कह रहा हूं 3k इक्वल टू आ रहा है मेरा। यस सर, वही आया। तो k इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। हर वक्त मोबाइल खोलना आवश्यक नहीं है ध्यान, कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा मोबाइल पे। एंड द मैसेज। अरे क्लियर है क्या ये? हां सर। यस सर। दूसरा वाला बताओ। कर रहे हैं। तो ये पहले वाले में एच पे ढूंढना होगा ना? उस एच नहीं, समझे नहीं आप। एच नहीं ढूंढना होता है, जो आ गया सो आ गया। एच ढूंढना बहुत जरूरी है हमको। लोकस वाई इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू 2/3 एक कर्व है कि नहीं है बताओ? है सर। खत्म। ओके सर। सर सेकंड वाले में कौन से दो साइड सेम है वो? हाँ सर भाई रुचि। हाँ वेयर पी इज वर्टेक्स। सर लेट कर ले क्या हुआ? सेकंड वाले में लेट कर ले क्या? पी इज इक्वल्स टू पी वी। हाँ वैसे ही करेंगे, और कैसे करेंगे? 1,1 हो गया पॉइंट। लोकस का सिंपल मतलब समझो ना, क्या मतलब है लोकस का? कि पॉइंट में और सिस्टम के जो भी क्वेश्चन है उसमें जो कांस्टेंट्स यूज किए गए हैं उनको क्या करना होता है, उसमें एक रिलेशन ढूंढना होता है। अरे यही मतलब है ना? yes. हेलो, क्या हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। कितना आया सिंपलीफाई करने पे? -10h और -2h तो 8h माइन। अरे यार ये k है ना, तो ये आ जाएगा 4h -2h -10h, तो -8k और +1 2 और 9 5 14, तो -12 इक्वल टू 0। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? अरे क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो। अरे हर शोरूम खाली हो गया क्या? कॉपी करो। फिर क्या पड़ेगा? रेहान
रिहान चार्जर दो ना। मैं लैपटॉप मोबाइल इधर मोबाइल तो क्या नहीं बंद हो रहा क्यों पानी 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 चलो अच्छा चल पानी। अरे हाँ भाई कॉपी कर लिए क्या? यस सर। ठीक है दो दो के सेट पे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। ठीक है करो। यस सर। फाइंड द लोकस ऑफ पी फाइंड एंड प्लॉट। जो भी लोकस आएगा उसको प्लॉट करना होगा। ठीक है फाइंड एंड प्लॉट सो दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी वेयर ए इज इक्वल्स टू 2,0 और बी इज इक्वल्स टू 4,0। फाइंड लोकस ऑफ पी such that such that a minus b is 2ae सॉल्व करो तीन क्वेश्चन। मोटा भैया
हो गया सर। अरे भाई कुछ कोई बोलोगे, हुआ नहीं हुआ क्या चल रहा है? Yes, हो गया सर। हाँ सर हो गया है। तो पहले वाले में क्या हुआ बताओ, मतलब तीसरे वाले में क्या हुआ बोलो? समझ में आया? Yes, sir. कि आप P को क्या लोगे? H को, आपको जो जब आपने प्लॉट किया होगा ना तो आपको फील भी आई होगी लोकस की। H माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बोलो क्या आएगा, K स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो प्लॉट करोगे तो फील आएगी। मैं कह रहा था यहाँ पे क्या पॉइंट है, टू है और यहाँ पे क्या पॉइंट है बोलो? अरे हेलो यही था ना? यस सर। अभी अपना P पॉइंट कैसा मूव कर रहा है सच दैट वो क्या हो बताओ, हमेशा A और B से इक्वल चमक रहा है? यस सर। अपन करते थे ना बच, चमक रहा है ये अपन करते ना पहले भी, क्या होगा ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर वाली लाइन आ रही है ना? यस सर। हां सर, ये जो लाइन आ रही है क्या आया है लुकस, x इज इक्वल टू 3 ना, मतलब समझ में आया, फील आया तुमको मैं क्या कह रहा था? यस सर। यस सर। ठीक है, थर्ड वाले में फोर्थ वाले में सिंपलीफाई किए, छोड़ दिए वही रूट पे ही सर कर रहे पर अभी सिंपलीफाई नहीं किए तुम लोग फोर्थ वाले में? यस सर। मुझे डाउट लगता है h प्लस 4 द होल स्क्वायर मोस्ट प्रोबब्ली लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया होगा, मैंने कहा भी था ना प्लस के स्क्वायर अंडर रूट अंडर माइनस नहीं किया? ये हो क्या बात है यार, बढ़िया गुड़िया, बताओ क्या है वो कर लो खुद से, मुझे तो आंसर बताओ फाइनल, जिसको जिसको डाउट होगा, जिसको डाउट होगा मुझसे ईमानदारी से पूछ लेना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई सर 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। प्लस नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, गलत है, प्लस नहीं आ सकता बॉस, कोई और सिंपलीफाई करो, सब लोग सिंपलीफाई करो जल्दी इसको। अरे हेलो। हाँ सर। अरे बोलो सर, मेरे को h का वैल्यू आ रहा है 25/4। x का वैल्यू कैसे आ रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हो, x का वैल्यू कैसे आएगा? तुम पहले भी सेम गलती कर चुके हो। वापस चेक करता हूं। नहीं, तुमने सेम गलती पहले भी की थी, लास्ट टाइम भी, तुम स्क्वायर रूट ध्यान ही देते होगे शायद। एनीवेज मैं करूंगा माइनस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर ये आएगा आंसर दोस्त, अगर आता है तो बताओ। आ जाए तो बताना भाई। हाँ सर, वो स्क्वायर रूट ध्यान नहीं दिया।
यस सर। अरे किसी का भी आया क्या? यार मैं थोड़ा अलग आंसर आ रहा है। क्या है तुम्हारा? सर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस फाइव स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। ना दिक्कत क्या है ना, आप में से सब लोग बैठे रहते हो, आप लोग कोई ट्राई नहीं करते कॉपी पेन पे, जबकि आप लोग को अब ट्राई करना चाहिए। और जवाब भी नहीं देते हो, बैठे रहो सब। फिर मैं भी बैठा हूं, जब आ जाए तो बता देना, ठीक है? फिर अपन सब चिल मारते हैं फिर। बहुत बड़े बड़े आप लोग अजीब हो यार, जवाब तो दो यार, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर कर सर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन कराया था ना, ऐसा नहीं कराया था? कराया था सर,
अरे थोड़ी भी आप लोग को मतलब एम्बेरसमेंट वगैरह होती है, नहीं होती है भाई? या तो पूछ लो, कर नहीं कर रहे पा रहे हो तो क्या कर क्या रहे हो? आंसर आया लेकिन अलग आया, सर मतलब चेक करें कहाँ पे गलत है, समझ नहीं आ क्या रहा आंसर आया? सर। 9x² + 25y² = 225। प्लस तो यस आएगा सर। नहीं यार, प्लस कैसे आ रहा है? प्लस तो नहीं आ सकता है, प्लस कैसे आ रहा है? प्लस तो आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्लस सर मेरा भी सेम आ तो रहा है जयेश जी सर। तुम भी सेम गलत, प्लस नहीं आ सकता है। आप लोग ना बीच में माइनस है, प्लस तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। सही बार सॉल्व करेंगे साथ में तो पता मैं सॉल्व तो चल कर जाए। दूंगा, बट तुम तो कभी पढ़ते नहीं हो, तुम तो तुमसे कुछ भी प्रॉब्लम क्या है, तुम कुछ बनाते नहीं हो कभी भी, बस बोलते रहते हो। आप बनाते कभी कुछ भी नहीं हो ना यार, यू डोंट ट्राई इवन, यू डोंट ट्राई। लास्ट लास्ट में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, आई थिंक तब प्लस रहा होगा। एक मिनट रुक जाओ, क्योंकि यहां पर तो कुछ भी नहीं आंसर आना चाहिए था। यहां पे तो एक्चुअल में शायद जो लोग बाकी लोग क्या आंसर आ रहा बताना वापस से। नहीं सर 9x² + 25y² = 225। यस तुम्हारा तो गलत है, एक बच्चे ने और आंसर दिया था, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव था, राइट साइड में पॉजिटिव था। किसी ने बोला था ना -x² / 9 और हाँ फलाना सर मैंने ये और बोला वो। था, बट सर उसमें गलती था, बाद में करेक्ट करके वैसे सेम ही आया मेरा भी। अभी सॉल्व करो जरा, यस सर, क्या कौन था पढ़ दिया, बोल दिया क्या आंसर करने क्वेश्चन मैंने? कर एक लाइन नहीं लिखते हो तुम लोग, क्लास में बैठे रहते हो बस, कोई एक लाइन नहीं क्लास में लिखता है, दो तीन बच्चे लिखते हैं, बाकी बस आप लोग पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे हो सॉल्व करने का यार। मैं कर देता हूँ, मुझे वो क्या, मैं तो कर ही दूंगा। सर एक मिनट अभी वो ट्राई करेंगे जो आपने दिया। नहीं पड़ता कैलकुलेशन, देखते ही आप लोग के हाथ पैर कांपने लग रहे हैं, क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति में थोड़ा कुछ हो सकता है कि कैलकुलेशन दिखा एकदम हमारी मतलब बैंड ही बज गया हमारी कैलकुलेशन देख के। एक बार क्लास में सिखा दिया गया, उस चीज को अप्लाई करना है, उसी को बार बार बनाना है, बट आप लोग का ध्यान तो बाकी चीज में रहता है ना, कि हम ये बना लें, हम आरडी शर्मा बना लें, हम स्कूल में मैडम को खुश कर दें, ये तरीका ही नहीं है पढ़ाई का। नाइन्टी परसेंट लोगों ने यही स्टेप नहीं किया होगा। सुबह 6 में क्लास शुरू हुई है, आधा घंटा ऐसे में 1 घंटा चला गया, पता नहीं तुम लोगों को क्या सिखाऊंगा मैं। लॉजिकल हो
अरे हो गया? यस हाँ सर, कर लो कॉपी फिर मत पढ़ना, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ। कॉपी करना है कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर करते नहीं तुम लोग तो, वैसे भी नोट्स बहुत लोग नोट्स भी कॉपी नहीं करते हैं। हो गया सर, हो गया सर। क्या कॉपी हो गया इतनी जल्दी? सॉल्व तो कर नहीं पाया, कॉपी तो मैंने कर ली है। हाँ सर हो गया सर, सॉल्व किया। फिफ्थ वाले में क्या आया सर? एक्स रूट थ्री माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ एक पॉइंट है ना पी एच कॉमा के, सच दैट ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो प्रॉपर्टी क्या दिख रही है? पाइथागोरस दिख रहा है, पाइथागोरस क्या दिख रहा है? ये हाइट कितनी है के, और ये बेस कितना है एच? अरे हेलो, यस के बाई एच इक्वल्स टू टेन थर्टी, मतलब रूट थ्री वाई इज इक्वल, सॉरी रूट थ्री, हाँ सही तो था, थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स, क्लियर है? यस सर। हाँ सर कॉपी करो। हो गया सर, इसको स्लोप से भी कर सकते हैं ना? स्लोप में, स्लोप तो लोकस, स्लोप में निकालते थे वो लोकस ही तो हुआ कर जाता, और क्या होता था बताओ? यस सर, है ना? क्लियर है? यस यस सर, यस सर। सॉल्व करो, सर बोलो। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू वो, हाँ 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 हाँ
Yes, sir, done. आया क्या? Yes, sir. क्या लोगे? सब P को H कॉमा वन. बार बार एच कॉमा वाई क्यों बोल रहे हो? क्या करेगा सर? ओ डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे. परपेंडिकुलर को लाए दोनों लाइंस. है ना? यस. क्या आ जाएगा? 3h + 4k अपॉन 5 इज इक्वल टू 5h - 12k अपॉन 13 मोर. ठीक है, क्या आ गया? दो इक्वेशन. 39h + 52k इज इक्वल टू 25h - 60k. तो एक बार प्लस से खोलेंगे, एक बार माइनस. माइनस से जब प्लस से खोले कितना आ रहा है? 14h. 14x + 116 प्लस 102 ना. 112 इक्वल टू 0. और जब माइनस से हॉल कट रहा है और जब माइनस से खोले तो क्या हो रहा है? 64h - 8k इक्वल टू 0. 64h. यस सर. हां माइनस 8k इक्वल टू 0. तो सिंपलीफाई होके क्या बन गया? x प्लस 8y. 8y 0 या 8x माइनस y. 8x माइनस y इक्वल टू 0. तो द लोकस इज टू स्ट्रेट लाइंस. अरे हर्षवर्धन क्लियर है? हाँ. क्या हुआ, पढ़ाई में ध्यान लगा रहा है क्या आजकल? लास्ट 10 दिन से देख रहा हूँ गायब रह रहा है तू. हाँ ऐसे तो क्लास में बोलता रहता था तू. अभी क्या हो गया? लास्ट 2-3 क्लासे मार कर रहा हूँ मैं तुमको. क्या चल रहा है? पढ़ाई नहीं हो रही अच्छे से? कर रहा हूँ. बट तुम तो काफी इंटरेक्ट करते थे, अभी क्या हो गया? लास्ट 3-4 क्लास से मैथ्स की क्लास में चुप बैठे रह रहे हो. कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर. ठीक है. अरे ये क्लियर है? हाँ सर. यस सर. कॉपी करो. कॉपी कर लिए? यस सर. यस सर डन. अब बोलो कॉपी हो गया? हाँ सर. हर्षवर्धन कॉपी किया था नहीं किया था? किया था सर.
पहले मुझे क्वेश्चन बताओ कि लोकस क्यों हो गया है, किसी का लोकस कैसे निकल रहा है बताओ क्या हो रहा है, तो मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो? हेलो एक सेकंड सर, कभी रॉड यहाँ पे है, कभी बोलो, कभी रॉड यहाँ पे है, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग कहीं पे भी है, स्लाइड कर रहा है ना रॉड, है ना? यस सर। कभी रॉड कहाँ गया, कभी रॉड तुम्हारा इधर आ गया? यस सर। अरे समझ रहे हो, तो जो तुम्हारा रॉड का, जो तुम्हारा रॉड का मिड पॉइंट है वो कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, समझ में आ रहा है? यस सर। कभी कहीं इधर आ गया, जो रॉड का जो येलो वाला पॉइंट है पी, वो हर मोमेंट पे जैसे जैसे रॉड गिर रहा है वैसे वैसे वो जो पॉइंट पी है वो भी तो फिसल रहा है कि नहीं फिसल रहा है? यस सर। हाँ सर, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, तो डू अंडरस्टैंड दिस, तो जो पॉइंट पी है तुम्हारा कभी यहाँ पर है, अगली बार यहाँ आ गया, अगली बार यहाँ आ गया, है ना? तो वो भी तो एक पाथ फॉलो कर रहा है ना गिरते हुए। यस सर। तो फिर उसका लोकस निकालना है, उसका लोकस का इक्वेशन निकालना है, उसका लोकस का इक्वेशन निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बस ये था लॉजिक। अभी क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत सिंपल है, ये रॉड जब गिरता है तो किसी भी मोमेंट पे क्या मान लेंगे? पढ़ नहीं रहा है, गड़बड़ है। हर्षवर्धन। हाँ सर। हो ए और बी, अरे तो शुरू में जितना इंटरेक्ट कर रहा था, क्या हो गया? नहीं समझ मेरी अच्छे से। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट क्या ले लेंगे बोलो? पी एच कॉमा कॉमा के, मिड पॉइंट इज एच कॉमा के किसी भी मोमेंट पे, राइट? हाँ सर। यस सर। मैंने आपको क्या बोला हमेशा कि ट्रिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? सबका लिख लो कोऑर्डिनेट, इसका ओरिजिन ये चमका। हाँ सर। ये लेंथ l जो बता रखा है तो लेंथ l का क्या लॉजिक हुआ? ab का लेंथ होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर इज l स्क्वायर। यस सर नो? यस सर। हाँ सर। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें? यस सर। तो क्या आएगा बोलो? 1 इनटू a प्लस 1 इनटू b, 1 इनटू 0 भाई, मिड पॉइंट है यार। हाँ सर। हाँ सर। क्या है यार? और b प्लस 0 बाई 2 क्या आ जाएगा? k चमक रहा है? यस सर। हाँ सर। हमारे पास 2h आ गया a। अरे रेहान उफ उफ, चार्ज कर दिया लैपटॉप है। एक मिनट यार, लैपटॉप चार्ज नहीं है। हाँ भाई अरे स्नेहा, स्नेहा देखो लैप ही चार्ज क्यों नहीं हो रहा प्लीज, क्लासिक है मुझे डिस्चार्ज हो जाएगा मेरा। 2h is equal to a, क्यों चार्ज नहीं हो रहा? और 2 क्या is equal to, अभी हो रहा, अभी हो रहा, अभी हो रहा। 2h is equals to k a और 2k is equals to b। अब क्या करें? अपना लोकस का एम याद है? लोकस का एम क्या होता है? यस सर। रिलेशन। क्या रिलेशन? बिटवीन h एंड k, h k एंड कांस्टेंट, सिस्टम में जो चीजें हैं। यस। क्वेश्चन में दी हुई चीजें हैं। यहाँ पर जो हम, यहाँ पर जो आपको इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें कौन सी चीज क्वेश्चन में नहीं दी हुई है? क्वेश्चन के तीन लाइन में क्या नहीं दिया हुआ है बताओ? कौन कौन सा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है? p का वैल्यू नहीं दिया। नहीं बेटा, कौन कौन सा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन लाइन में? ओरिजिन तो कांस्टेंट हुआ ना रे, b और a का। हाँ, स्मॉल a और स्मॉल b नहीं दिया, नहीं दिया है ना, तो उसको गायब करना चाहिए। क्या करे बताओ सर? वो h / a + k / b = 1 यहां डाल दो। यस सर। हां सर।
तो क्या हो जाएगा बोलो? 2k square is equals to l square. तो लोकस क्या आ गया? x square plus y square into 4 is equals to l square. अरे ये बात समझ में आती है नहीं आती है? हाँ सर, यस सर, समझ में आया लोकस क्या एम होता है? हाँ सर, रिलेशनशिप बिटवीन h k एंड कांस्टेंट. कॉपी करिए जरा. हाँ सर. यस सर. अरे ये क्लियर है? हाँ सर. यस सर, अच्छे से आगे बढ़े. हाँ सर. यस सर. यस सर. सर एट क्वेश्चन में ओ ओरिजिन के लिए है या ऐसे ही? ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, जब ओ है तो ओरिजिन होता है.
ध्यान रखिए। अरे हुआ, पहला हुआ, सर क्वेश्चन क्या बता रहा है वो तो समझा, लेकिन रिलेशन के लिए कोई कांस्टेंट नहीं मिल रहा। अरे भाई रॉड का लेंथ है L। अच्छा रॉड है तो रॉड की लंबाई फिक्स होगी ना यार। अरे हुआ, यस सर फर्स्ट हो गया। पहला हुआ तुम्हारा हर्षवर्धन, नहीं नहीं वो क्या, मैं तो कह ही रहा हूँ तेरी पढ़ाई खराब हो गई इधर लास्ट 15 दिन से, क्या हो गया है? चल बता, बोलो 8th क्वेश्चन में क्या हो रहा है बताओ, कुछ तो कारण होगा ना। अरे हर्षवर्धन, कुछ तो कारण कारण होगा नहीं बनने का, बताओ तो क्या दिक्कत आ रही है? ये रॉड है, ये ए है, ये बी है, तो ए को क्या लेंगे अपन? जीरो और बी को जीरो कॉमा बी। अभी ऐसा पॉइंट, अभी पी पॉइंट ऐसा लेना है कि रेक्टेंगल बन जाए ना ओ ए पी। तो पी कहाँ होगा बताओ, ट्रायंगल बना लेंगे वैसे। यहाँ तक चमकता है सर। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एच कॉमा के। हाँ सर, अभी बेसिक ज्योमेट्री से एच का वैल्यू कितना होगा बी, और के का वैल्यू एच का वैल्यू कितना होगा ए। अरे हाँ हर्ष बोलो। हाँ, और के का वैल्यू भी क्यों नहीं बन रहा है? डंडे की लंबाई कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन देम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर ना। यस सर। हाँ, अभी क्या करेंगे बताओ, ए और बी को रिप्लेस कर दो। तो टफ नहीं है हर्षवर्धन, मैंने देखा हुआ है, तुम तो अच्छे क्वेश्चन भी करते थे एक वक्त। देखो पढ़ाई के जर्नी में कई बार ना आप लोग ऐसा फेस करोगे, कभी समझ में आएगा कभी नहीं आएगा, तो डिमोटिवेशन होगी। अपना एम यही रहता है कि डिमोटिवेशन सबको होती है, बस जो डिमोटिवेशन का टाइम होगा ना उसको कम करना तुम्हारे हाथ में। मैं ये नहीं कह सकता तुमको डिमोटिवेशन नहीं होगा, होगा, हो सकता है एग्जाम में मार्क्स कम आ जाए, हो सकता है दो लगातार टेस्ट, तीन लगातार टेस्ट से मार्क्स कमा रहे हैं, बट यू विल हैव टू ऑलवेज ट्राई टू बी ऑन दिस कर्व। और जो ये घटने वाला काम है इसको छोटा करके तुरंत ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से तो फंस जाओगे। अरे 8th क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। 9th वाला सॉल्व करो, देखो हो गया सर।
हाँ भाई हुआ क्या नाइन्थ वाला? यस सर। हर्षवर्धन हुआ बेटा? नहीं हुआ अभी भी तुम्हारा नाइन्थ वाला? कर रहा बन गया होता इतने देर में, तू जैसा पढ़ता है उतना अच्छा, तो तुझे पढ़ाई कम करी है, बात करनी पड़ेगी तेरे से कभी। बिटकॉइन ये कंडीशन क्या दिया हुआ है? 1/p² अरे हेलो यही दिया हुआ है ना? यस सर। हम लोग को एक पॉइंट पी मानना होगा ना एच कॉमा के? हाँ सर। जो कि किस रेशियो में बांट रहा है? तो फिर क्या हो जाएगा? 2h/3a यस एंड बी बाय थ्री इक्वल्स सॉरी 2h/3 सर 2h इज इक्वल्स टू। हाँ तो नहीं क्या चल रहा है? a बाई थ्री इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? h बाई टू क्यों होगा भाई? और क्या होगा? k आए 2b बाई थ्री इज इक्वल टू क्यों? देखो मैं अगले पेज पे करता है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और क्या था क्वेश्चन बताओ? अरोज लाइट सच दैट वी बना। हर्षवर्धन नहीं बना भी थे बेटा? अभी पॉइंट पी आई सी बकम अभी बनवा हुआ है इस पर ये सर उस पर। हर्षवर्धन बोलो बेटा क्या हो गया है? बनवा हुआ है हाँ बनवा पीस मतलब क्या दिया हुआ है बताओ? वन बाई यही रिलेशन दिया हुआ है ना? यस सर। हाँ सर यही है ना? हर्षवर्धन बोलो क्या हो गया इसको आज? ये 2:1 है तो बताओ क्या होगा? 2×0+1×a/3 इज इक्वल टू h 2×b+1×0/3 इज इक्वल टू k तो तुम्हारा a कितना होगा? 3h और b कितना होगा? 3h/2 3k/2 क्या करें yes. बताओ हर्षवर्धन क्या करूं? हर्षवर्धन बता क्या करूं? सर वैल्यू डालना। वैल्यू डाल देंगे ना यहाँ पे बिकॉज सिस्टम में ए थोड़ी ना दिया हुआ है, सिस्टम में OA और OB है ना। हाँ. तो क्या आएगा बोलो? 1/9h²+1/9k²=1/p²। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो 10th वाला क्वेश्चन में कुछ इनकंप्लीट लग रहा है। नहीं 10th वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, कॉपी करो पहले इसको। 10th वाला ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, तुम लोग समझ नहीं रहे इसलिए। मुझे 10th वाले के पहले एक क्वेश्चन बताओ। x+y-1=0 इज सेटिस्फाइड बाय 1, -2 लिख दो बाय 1, 1 ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। अरे ये भी नहीं बोल पा रहे हो सर। ट्रू है ना? क्यों क्यों ट्रू है? सपोर्ट करने के बाद वैल्यू बराबर है। ठीक है अब वापस से 10th वाला क्वेश्चन देखो क्या है बताओ। क्या दिया हुआ है सर? a+2b+c = 0 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और लाइन का इक्वेशन क्या है? ax+by+c = 0। हम लोग क्या करना है? शो दैट ये पास थ्रू फिक्स्ड पॉइंट है ना? यस। हां सर। यहां से ऑब्जर्व नहीं हो रहा है सर? 1, 2 ये वैल्यू में लिखा 1, 2 इज दैट पॉइंट। व्हाई? बाय व्हिच बोथ ऑफ देम? बिकॉज़ बोलो 1, 2 डालोगे अगर इसमें क्या बनेगा? सेटिस्फाई कर रहा है ये आया है ना?
जो कि जीरो दिया हुआ है, कौन किसने जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी जीरो दिया हुआ गिवन है। अरे बात चमकती है। यस सर। अरे बोलो। हाँ यस सर। चलो ये बताओ 2a plus 3b minus c equal to 0। मैं क्वेश्चन और सभी में सेम क्वेश्चन है, इसी लाइन को बताओ b में c में किस कौन सा फिक्स पॉइंट है बताओ सर। दूसरा वाला में 2, 3 है। नहीं यार तुम सोच के बोलते नहीं हो, हवाएं बात कर। माइनस सोच मेरे साथ हमेशा सोच के बोलो। ओके मैं कभी हर बड़ी बात नहीं करता हूँ। हाँ बोलो कैसे लिख, तो कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी है ना। यस सर। इक्वेशन करनी पड़ रही है ना माइनस टू माइनस थ्री। यहाँ बताओ 1, 2 आदमी एक बार गलती कर सकता है, दो बार गलती कर सकता है, 10 बार थोड़ा गलती करना चाहिए सेम गलती। क्या होगा बोलो 1/2, 1 यहाँ बताओ दूसरा मिस्टेक ठीक है हो जाता है, तीसरा मिस्टेक मेक्स यू फूल, चौथा मिस्टेक मेक्स यू डम। तुमको लॉजिक समझा, लॉजिक मेरे को छोड़ो क्वेश्चन, लॉजिक समझा क्या? अबे हाँ या ना? यस सर समझा। हाँ सर क्या बोलो? नहीं समझा। कौन सा पार्ट बता? देखना ये लाइन को, ये जो लाइन है अपनी, ये जो लाइन है, ये लाइन मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को फिक्स पॉइंट से शो करूँ पास कर रहा है, और ये इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, यहाँ से यहाँ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हम लोग कि अच्छा इस लाइन में 1, 2 डालेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी जिसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है 1, 2 से। अभी ये दिया हुआ था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके लाइन के फॉर्मूले आया, अब मैं वापस से इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ, अच्छा बेटा इसमें एक x की जगह -2 और y की जगह -3 डाल दिया है तो 0 बन रहा है, इसका मतलब लाइन में कौन पास कर रहा है -2, -3। चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। बताओ क्या है फिक्स पॉइंट? बोलो प्रूफ करना है कि x by a plus y by b equal to 1 passes through fixed point। बोलो k से डिवाइड कर दो क्या आएगा? Yes, 1 upon k। अरे हाँ या ना? Yes, अब इसको और इसको कंपेयर करो मन में क्या दिख रहा है? अरे भाई साहब चमका क्या? यस सर। प्लीज नोट्स रिवाइज करिए, बहुत लोग शायद हिम्मत हार रहे हैं इसी, बहुत जल्दी हिम्मत हार रहे हो। मैं हर्षवर्धन को जानता हूँ क्योंकि शुरू में डाउट पूछता था वो, इसलिए मैं ध्यान दे पाया उस पे। आज आप में से बहुत लोग को मैं नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा लाइफ में एक मोमेंट पे खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, दैट टाइम हैज कम फॉर एवरीबॉडी ऑफ यू, नाउ यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आस्किंग द डाउट्स एटलीस्ट। ये बात चमकती है क्या? नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग दैट स्ट्रेट लाइन का होमवर्क, ठीक है? ओके सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर। हां सर। नहीं सर एक मिनट। क्या क्या बोल? आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहा है ये?
पता नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में मिसलेनियस डिस्कस होगा। हाँ वो कर लेंगे, कॉपी करो पहले 9th और 10th, कॉपी कर लिए? हाँ सर, ये नीचे का हो गया। अरे 9th और 10th कॉपी हो गया क्या? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एक बार नोट्स रिवाइज करो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ठीक है? चलो ओके सर, बाय सर, थैंक यू।